जीवन का विकास है वो किस तरह से हो रहा है इसके बारे में हम देख सकते हैं। इसी तरह से हमने उसकी रिपोर्ट देखी किस तरह से जहाँ पे हर एक जगह पे अलग अलग मेन कंट्री के हमने जो रिपोर्ट से वो देखी थी जिसके अनुसार जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो किस तरह से हुआ उसके बारे में हमने देखा। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट के समय जो चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में हमने देखा था जिसमें हेल्थ है, जेंडर इक्वालिटी है और वुमन एक्सप्रेशन के बारे में हमने आगे की वीडियो में देखा था। उसके बाद हमने देखा एक अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स के द्वारा जो वुमन्स हैं उनको किस तरह से सिक्योरिटी मिलनी चाहिए उसके बारे में देखा था। फिर हमने देखा था स्टेप टेकन टू स्टेप वुमन एक्सप्लोरेशन। ओके, तो जिसके अंदर क्या था कि जिस तरह से महिला सुरक्षा के अंदर उसका जो विभिन्न प्रकार से उसकी हिंसा से जो जो पीड़ित होती है महिलाएं, जो महिलाएं हैं वो हिंसा से पीड़ित होती है उसके लिए कुछ विकास उसका हो, उसका मार्गदर्शन उसे मिल सके, उसके लिए कुछ ऐसी स्कीम, उसके ऐसे कुछ स्टेप उठाए गए जिसके कारण ये जो महिलाएं वो ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो कम हो, क्लियर। इसके बाद हमने देखा था कि 181 यहाँ पे मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया था आगे की वीडियो में अभयम वाला और अभयम 181 जो नंबर दिया है जो 24/7 और महिलाओं की हेल्पलाइन है जो 2400 घंटे सातों दिन शुरू ही होती है। ठीक है, तो इसके बाद का जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वायर स्कीम्स ऑफ गुजरात गवर्नमेंट फॉर प्रिवेंट प्रोवाइडिंग इक्वालिटी टू वुमन, यानी कि महिलाओं के द्वारा जो समाज के द्वारा गुजरात सरकार की जो अलग अलग योजनाएं हैं वो किस तरह से अमल में आए उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखें तो महिलाओं को सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक प्रगति और गुजरात सरकार ने 2001 में क्या किया, तो ये जो सारी जो बातें हैं सोशल है, इकोनॉमिक है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स है, वो सारी जो रचनाएं हैं उस सारे विभागों की रचना उन्होंने उसी समय में कब की, 2001 में गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए गरीब और सामान्य परिवार और ग्रामीण विस्तारी की महिलाएं हैं के उत्कर्ष के लिए तीन बातों का, महिलाओं के शैक्षणिक सशक्तिकरण, महिलाओं का आरोग्य और महिला सुरक्षाओं को ध्यान में लेके कुछ बजट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ ऐसी स्कीम की जिसके द्वारा क्या हुआ, तो कुछ योजनाएं हैं वो हमारे सामने आई। तो हम यहाँ पे देखें कुछ पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे दी गई है। विद द इंटेंशन ऑफ इंक्लूडिंग गर्ल्स एजुकेशन स्कूल अटेंशन सेरेमनी एंड गर्ल एजुकेशन चेरी फेस्टिवल हैव बीन स्टार्टेड इन गुजरात। तो गुजरात में जो कन्याएं हैं जो गर्ल्स हैं उसके लिए उसकी केयरिंग के लिए क्या हुआ, प्रोत्साहन देने के लिए शाला और स्कूल से उसके प्रवेश उत्सव योजना में आया जिसके बाद ये जो कन्या केयरिंग की रथ यात्रा है वो शुरू की गई और जिसके कारण स्कूलों के अंदर 100% नामांकन हुआ, जो सबसे ज्यादा महिलाएं हैं वो साक्षर हो इसके लिए ये जो योजना है कौन सी योजना है, तो यहाँ पे आप देखें तो इंटेंशन ऑफ इक्वलिंग गर्ल्स एजुकेशन, जो गर्ल्स को एजुकेशन मिल सके इसलिए ये जो कन्या केरवनी प्रोत्साहन है वो योजना में आया जिसके द्वारा स्कूल के अंदर प्रवेश उत्सव योजना में आया जिसके अंदर 100% है वो देखें तो एडमिशन हुआ और जिसमें सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं वो साक्षर होने लगी। सेकंड पॉइंट हम देखें राज्य के अंदर 35% है वो स्त्रियां हैं जो साक्षरता दर उनका कम होने के कारण गांवों में और शहरों के अंदर ये जो लड़कियां हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीती हैं जीवन कुटुंबों की जो लड़कियां हैं उनकी उनको प्राथमिक शिक्षा मिल सके, माध्यमिक शिक्षा मिल सके, वो उसके अंदर वो एडमिशन ले सके उसके लिए भी योजना है, विद्यालक्ष्मी बॉन्ड भी बनाने में आया। सरस्वती साधना योजना ये जो तीसरा पॉइंट है सरस्वती साधना योजना जिसके द्वारा हर साल 1.5 लाख कन्याएं हैं वो बिना मूल्य यानी कि पैसों के बगैर साइकिलों उन्हें दी जाती है और बाहर गांव से आती हुई जो लड़कियां हैं अभ्यास के लिए आती हैं वो अच्छी तरह से एसटी बस जो बस होती है उसके अंदर उन्हें मुसाफरी की जो सुविधाएं हैं
द्वारा जो किशोरियां हैं यानी कि जो देखें तो ये जो है कि सफा योजना है स्टार्टेड टू प्रोवाइड नेटिफिकेशन फॉर द इजेंट इन गर्ल्स फॉर डेवलपमेंट देयर स्कूल। तो ये जो उनको अच्छा खाना मिल सके कौशल का विकास हो उसके लिए सबला योजना बनाने में आए। इसी तरह से गुजरात सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी मिल सके इसके लिए 33% है वो अनामत की जो है उनके लिए की स्थानीय स्वराज की संस्थाओं में महिला अनामत की परसेंटेज है वो 33% दर्शाई गई है और उसको बढ़ा के 50% किया गया है। जो श्रमजीवियां होती हैं जो श्रमजीवी होते हैं निराधार वृद्ध होते हैं उनके पीछे की उम्र में जो जीवन बीमा पेंशन उन्हें मिल सके उसके लिए भविष्य के लिए सुरक्षित और राष्ट्रीय निराधार वृद्धों के लिए हम देखें तो जीवन निर्वाह उनका अच्छी तरह से जैसे उसलिए उनको जीवन है वो अच्छी तरह से बिता है उसके लिए उन्हें आर्थिक सहाय भी दी जाती थी। इसके बाद हम देखें तो महिलाओं को आर्थिक से जो पगभर अपना जो जीवन है वो अच्छी तरह से बिता सके अपने पैरों पे खड़ी हो सके उसके लिए ये जो सखी मंडल के द्वारा सरकार मिशन मंगलम योजना भी आर्थिक सहाय करती है। महिलाओं के आरोग्य के लिए ई ममता कार्यक्रम के द्वारा मोबाइल टेक्नोलॉजी के द्वारा सगर्भा जो महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं वो उनकी नेम है वो उनका लिखते हैं जिसके द्वारा वो अपने बच्चे का और प्रसूति के दरमियान जो उन्हें पीड़ाएं होती हैं तभी क्या होता है कि मृत्यु दर है वो पहले सबसे ज्यादा था इसी समय पे। तो ऐसे ये जो हम देखें तो ये जो महिला ई ममता के द्वारा ये कार्य भी कम होने लगा मृत्यु का दर है वो घटने लगा। इसके द्वारा उनकी जो नियमित तपास की जाती थी और उनको सत्कारने के लिए बच्चे के जन्म के बाद वशीकरण होते हैं उनके जो हम देखें तो वैक्सीनेशन उनका किया जाता है ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा भी जो बच्चा है और उसकी माँ है उसकी तंदुरुस्ती अच्छी तरह से रहे उसका भी ख्याल रखा जाता था। आगे हम बढ़े बेटी बचाओ अभियान द्वारा जाति भेद यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के नाम को हटाने के लिए अभियान भी चलाया गया। बेटी बचाओ बेटी बधाओ और बेटी पढ़ाओ द्वारा स्त्री सशक्तिकरण का अगत्य का योगदान हमें हमारे समक्ष देखने को मिलता है। अनुसूचित जाति होती है जनजाति के सामान्य परिवारों की जो प्रसूता महिलाएं होती हैं उनको चिरंजीवी योजनाओं के द्वारा अंतर्गत प्रसूति की जो दवाएं हैं लेबोरेटरी की जो तपास है ऑपरेशन है वो फ्री में वो लोग कर देते हैं। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पे महिला समानता और गुजरात सरकार की विभिन्न अलग अलग स्टेप्स के द्वारा ये जो अलग अलग हम देखे तो पहले आपने देखा तो कन्या तिरोड़ी के द्वारा फिर हमने देखा तो उनको प्राथमिक और विद्यालक्ष्मी बॉन्ड दिया गया जिसके द्वारा वो अच्छी तरह से स्कूल्स में पढ़ सके उसके बाद उनको सबला योजना के द्वारा अच्छा खाना मिल सके। अनामतों की जोगाई में भी आज से 33% से 50% किया गया। फिर हम देखें तो राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना के द्वारा जो वृद्ध लोग हैं उन्हें पेंशन मिल सके। इसके बाद हम देखें तो ई ममता के द्वारा जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो उनकी देखभाल है वो अच्छी तरह से हो सके उनका बच्चा किस तरह से रहता है तंदुरुस्त रहे उसके लिए भी योजनाएं बनाई गई। बेटी बचाओ अभियान के द्वारा जाति भेद है वो भी दूर किया गया। अनुसूचित जाति और जनजातियों की जो लेडी है वो प्रेग्नेंट होती है तो उसी समय में उनका जो ऑपरेशन है फिर देखे तो लेबोरेटरी का खर्च आता है डॉक्टर का जो खर्च आता है वो सारी जवाबदारी है वो उनको चिरंजीवी योजना के द्वारा पूरी की जाती थी। क्लियर समझ में आया कितनी कितनी योजनाओं के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने जो प्रोवाइडिंग की जिसके द्वारा ये जो लेडी है वुमन्स है वो अपना जीवन है वो अच्छी तरह से बिता सके। गुजरात सरकार के महिलाओं के द्वारा ऑपरेशन के द्वारा बिना मूल्य है क्या किया गया उन्हें तो अच्छी तरह से वो चिरंजीवी योजना के द्वारा विभिन्न लक्ष्य महिलाओं का जो योजनाएं है वो चलाने में आई जिसके द्वारा जो बाल विकास विभाग के द्वारा स्त्री सशक्तिकरण की दिशाएं है वो झीलने में आई। आगे हम देखें तो नेक्स्ट पेज पे आप आए मानव विकास के बाद में हम देखें तो कुटुंब है उनके द्वारा उनके जो मोहल्ले है उनके गांव है उसके अंदर अगर हम नर्स नजर डालें तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको जो खाना है उनको जो विटामिन प्रोटीन्स मिलने चाहिए वो अच्छी तरह से मिलते नहीं है। इसके कारण कम वजन वाले जो बच्चे हैं वो पैदा होता है तो क्या होता है बच्चे को कुपोषण हो जाता है फिर क्या होता है तो ऐसे के द्वारा बच्चे
एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर हमारा था उसमें हमने देखा था किस तरह से हमारा देश है वो आज बेरोजगारी की ओर बढ़ रहा है। पर इसी तरह से अगर कोई युवक है वो बेरोजगार है या अकस्मात के लिए कारण उसकी मृत्यु हो चुकी है या गंभीर बीमारी का भोग है तो उसके द्वारा देश के मानव विकास पे बहुत ही असर पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है सरकार ही नहीं परंतु पूरा देश नागरिक मानव विकास की दिशा में सक्रिय बने तो आज क्या होगा हमारा देश है वो मानव विकास की योजनाओं के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट है वो उसका अच्छी तरह से हो रहा है। अब आप देखिए तो 3-9 में संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यानी UNDP के द्वारा 14 दिसंबर 2015 को मानव विकास अहवाल 2015 मानव विकास के कार्य और शीर्षक से प्रसिद्ध करने में आया, जिसके अंदर मानव विकास के सूचना के कारण कुछ ऐसी बातें हैं जो समावेश की गई। पहला तो है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि जाति विकास सूचना, फिर है हेल्थ चिल्ड्रन एंड यूथ, फिर देखे तो एडल्ट हेल्थ एंड हेल्थ एक्सपेक्टेशन, एजुकेशन कमेंट और एंड एलोकेशन रिसर्च यानी कि संसाधनों की जो फॉर्मूले की जाती है नियंत्रण किया जाता है, फिर अभी जो सोशल कंपटीशन है, पर्सनल इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल इंटेंशन है, फिर एनवायरनमेंट है, पॉपुलेशन ट्रेंड्स हैं, सप्लीमेंट्री इंडिकेटर प्रिसिडेंट वेलबींग है। इसके रिपोर्ट के अनुसार UNDP की वेबसाइट भी हमें यहाँ पे दी गई है http://undp.org/2015 रिपोर्ट पर भी आप देख सकते हैं। हर साल इंग्लिश के द्वारा हिंदी और अन्य भाषाओं में भी अहवाल रजू किया जाता है, भारत में भी एक साइट है। क्लियर, आपको पता चला आज हमारा ये जो चैप्टर है वो क्लोज होता है। आई होप आपको ये जो मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके अंदर हमने अलग अलग पॉइंट्स देखे, जिसमें मानव विकास का अर्थ देखा, मानव विकास क्या है उसके बारे में देखा, फिर मानव विकास का जो आंख है यानी SDI के बारे में हमने